ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अगली खबर ओडिशा से है, जहां पुरी में भगवान जगन्नाथ के चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखों के ढेर में विस्फोट होने से कम 15 लोग झुलस गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय सैकड़ों लोग अनुष्ठान देखने के लिए नरेंद्र पुष्करणी सरोवर के तट पर इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान कुछ श्रद्धालु आतिशबाजी कर रहे थे और एक चिंगारी पटाखों के ढेर पर जा गिरी, जिसकी वजह से धमाका हुआ। फिलहाल सभी घायलों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इलाज का खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा। संवाददाता आसीम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर पटाखों के जरिए जो थोड़ी सी विस्फोट हुआ और उसमें यहाँ पर लोग झुलस गए हैं, क्या कुछ अपडेट इस वक्त असीम इस पूरी घटना को लेकर मिल रहा है? जया, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है, वो इसलिए कि अब से कुछ ही दिनों के बाद विश्व प्रसिद्ध जो रथ यात्रा उसकी शुरुआत होने वाली है और ये उसकी कड़ी में रिचुअल्स होते हैं। चंदन यात्रा एक रिचुअल्स है, जबकि आज कुछ दिनों के बाद से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। इसमें होता क्या है कि जो श्रद्धालु हैं वो एक सरोवर के पास रुकते हैं। ये परंपरा रही है कि वहां पे वो अपने साथ कुछ उत्सव मनाने के लिए कुछ मात्रा में क्रैकर्स लेके जाते हैं और फिर उसका वो वहां पे क्रैकर्स को जलाते हैं और फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कल की घटना में ये हुआ है कि जो तय मात्रा थी उस तय मात्रा से अधिक क्रैकर्स को वहां पे लेकर जाया गया, एक बात। दूसरी बात कि वहां पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। ये एक तालाब है, बहुत ही गहरा तालाब होता है, वहां पे जो है जल क्रीड़ा की जाती है कुछ लोगों के द्वारा, उसको देखने के लिए उस घाट के चारों तरफ जो है वो लोग हजारों के तादाद में लोग मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो तय मात्रा थी उससे ज्यादा क्रैकर्स कैसे ले गए, क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी, और अगर जानकारी भी थी तो उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया, पहली बात। दूसरी बात, कल की घटना में जो आप बता रही थी कि जो जिस क्रैकर्स को फोड़ा गया उसके कुछ चिंगारी वापस जब उस क्रैकर्स के ढेर पर पड़े तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से वहां अगड़ मच गई, लोग जल गए उस पटाखे से। और ये भी खबर है कि तालाब सामने था तो उस तालाब में भी जान बचाने के लिए बहुत से लोग कूद गए। इसमें जानकारी ये नहीं मिल पा रही अभी तक प्रशासन को भी कि क्या डूबने से भी कुछ लोगों की मौत हुई है क्या, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर है कि जरूर कुछ ना कुछ लोग उसमें गए हैं जिनकी डूबने से मृत्यु हो गई है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जा रही है प्रशासन की तरफ से। सवालिया निशान नवीन सरकार पर ये कि आपने कैसे इतनी बड़ी मात्रा में क्या अलाव होने दिया, इतनी बड़ी मात्रा में अगर लोग वहां मौजूद थे तो आपने जो भीड़ को काबू करने के नियंत्रण करने के लिए आपने क्या कुछ उपाय थे, ये सारी चीजें सवाल पूछे जा रहे हैं नवीन। बिल्कुल, और एक सवाल असीम ये भी है कि जिस बड़े पटाखों के ढेर में आग लगी आखिरकार उसे हिदायतन सुरक्षित और संरक्षित जगह पर क्यों नहीं रखा गया, ये तो सवाल उठेगा ही नवीन पटनायक सरकार पर। लेकिन जो तमाम लोग जो झुलस गए हैं, जिनका आनंद फानंद में जिला अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है, उनकी हालत कैसी है, क्या उनमें से कई गंभीर अवस्था में है, और जो नहीं है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका क्या पूरा कहना है इस घटना को लेकर? देखिए, प्रत्यक्षदर्शी का आंचल साफ तौर पर ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ी घटना हो गई। लोग इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये जो जा रहे हैं उस कार्यक्रम को देखने के लिए उसमें इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पे मौजूद थे और जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कि जो आग क्रैकर्स में लगी उसके बाद से वहां आसपास जो लोग मौजूद थे वो बहुत बुरी तरह से झुलस गए। जैसे कि आपने कहा, एक दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलस गए। एक छोटा सा बच्चा, उसका हाथ तो बुरी तरह से जल चुका है, उसको कटक के जो जिला अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया है। बाकी जो झुलसे हुए लोग हैं उनका इलाज चल रहा है, कुछ लोगों को भुवनेश्वर एम्स में ही भर्ती कराया गया है। तो ये बहुत ही हृदय विदारक घटना, जिसमें की कुछ युवा लोग मौजूद थे, बाकी लोग मौजूद थे, बच्चे मौजूद थे, और इस तरह की ये घटना हो गई। अभी सभी का इलाज चल रहा है, क्रिटिकल कुछ लोगों की हालत जरूर है लेकिन उन सभी का इलाज चल रहा है। लेकिन ओवरऑल यही एक क्वेश्चन मार्क जरूर क्रिएट होता है नवीन पटनायक की सरकार पे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे, इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है, नजरअंदाज किए गए हैं नियमों को, और चंदन यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ है। कई लोग इस वक्त गंभीर रूप से घायल हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं इस वक्त अस्पताल में। असीम, आपसे आगे भी लगातार अपडेट लेते रहेंगे इस पूरी घटना को लेकर। यहां पर आपको बता दें कि उड़ीसा में ये दुर्घटना हुई है और चंदन यात्रा